रायपुर के महादेव घाट पुल के पास भव्य वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 50,000 वर्ग फीट में बनाए जा रहे इस निर्माण में इस वर्ष अंत तक पूरा हो जाएगा। मंदिर में कैलाश पर्वत की आकृति भी बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब जल्द ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे और ये दर्शन कहीं और नहीं बल्कि राजधानी रायपुर में होंगे। ये गुफा आप देख रहे हैं, ये माँ वैष्णो देवी की गुफा के तर्ज पर ही बनाया गया है और सीधे हम यहाँ के जो योगेश जी हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये जो गुफा आप लोग बना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें दर्शन नहीं हो पाते। माँ की कृपा है, ये उसी माँ की सोच है और संसार में करोड़ों लोग हैं, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, छत्तीसगढ़ में लाखों लोग हैं जो माँ के दर्शन करने नहीं जा पाते। तो माँ की एक ऐसी व्यवस्था माँ ने हमारे द्वारा कराई है कि लोगों को ये अनुभूति हो कि वो वैष्णो देवी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माँ वैष्णो देवी की मंदिर के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर बन रहे हैं? माँ शेरों वाली का मंदिर बन रहा है, हनुमान जी का मंदिर बन रहा है और 12 ज्योतिर्लिंग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ सनातन धर्म के अनुसार जो पितरों की सेवा की जाती है, पितरों का मंदिर छत्तीसगढ़ में मैंने कहीं नहीं सुना। हिंदुस्तान में गया में है और जगह है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो यहाँ पितरों का मंदिर है। यहाँ ये गुफा के बाद आदमी को रोमांच आएगा, छत्तीसगढ़ का पहला कांच का मंदिर यहाँ बन रहा है जो माँ शेरों वाली के दर्शन कराने के लिए सहायक होगा। ये जो पूरा मंदिर है वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा संभवतः? माँ की इच्छा है, हम तो कुछ नहीं, हम तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं माँ से, माँ ही बनवाएगी, वो 2023 के चुनाव से पहले ये तैयार हो जाए। बिल्कुल, तो आपने देखा कि काफी खूबसूरत गुफा है यहाँ पर और ये जो गुफा है वो आपको कटरा के माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसका एहसास कराएगी। और यहाँ पर जो ये जो मंदिर है पूरा भव्य मंदिर, ये कहा जा रहा है कि 2023 के आखिरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC24 रायपुर।